ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है जिंजर एक्सपोर्ट के बारे में। जिंजर आप अदरक यानी जिंजर कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट जिंजर्स फ्रॉम इंडिया। सो मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट के ऊपर आपके लिए वीडियोस के द्वारा आपको बताते रहता हूँ, आपको क्या क्या प्रोडक्ट भारत से एक्सपोर्ट करना है, कहाँ से एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट आपको सोर्स करना है और कहाँ एक्सपोर्ट करना है और कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मैं काफ़ी डिटेल्स में बताते रहता हूँ। तो आप मेरे वीडियोस के द्वारा आपको काफ़ी नॉलेज मिलता होगा, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। अगर आप जिंजर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जिंजर के ऊपर टारगेट कर लीजिए, क्योंकि जिंजर जो है यानी अदरक एक ऐसा प्रोडक्ट है, इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर यानी अदरक एक्सपोर्ट करता है। वर्ल्ड में, दुनिया में 3 देश है जो ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर एक्सपोर्ट करने वाले देश है। नंबर 1 है इंडिया। भारत जो है वर्ल्ड का टॉप कंट्री है, टॉप नंबर 1 कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर एक्सपोर्ट करता है। अभी तक 2021 में इंडिया 1,62,000 के ऊपर शिपमेंट जिंजर भेज चुका है इंडिया से। सो इंडिया है नंबर 1 इन द वर्ल्ड जिंजर एक्सपोर्ट्स में। सेकंड में है चाइना है, थर्ड में है साउथ अफ्रीका। ये तीनों देशों है जो ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर यानी अदरक एक्सपोर्ट करते हैं। और अदरक बाय करने वाले, इंपोर्ट करने वाले कितने देश है? करीब 158 कंट्रीज है। 158 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दोज आर इम्पोर्टिंग जिंजर्स फ्रॉम इंडिया, सॉरी जिंजर्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। तो आपको टारगेट करना है भारत से। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे या एक्सपोर्ट करते हो जिंजर्स, तो आपको 158 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना है, टारगेट करना है। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा इंडिया में आपको कहाँ से जिंजर सोर्स करना है, कहाँ से जिंजर लेना है और कहाँ एक्सपोर्ट करना है। तो इंडिया में ज़्यादा करके जो जिंजर ग्रो होने वाले स्टेट्स है जहाँ से जिंजर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, वो हो गया मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आपका जो मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, ऐसा बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ से ज़्यादा जिंजर्स ग्रो होता है, अदरक ग्रो होता है, वहीं से आपको लेना है, फार्मर से लेना है। ठीक है, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको वो इंडिया में कहाँ से आपको जिंजर लेना है, कौन से स्टेट से लेना है और कैसे आपको सोर्स करना है और कौन से कंट्रीज़ को टारगेट करना है। कर्नाटका, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, ये जो स्टेट है जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं। ऑल्सो आपको जिंजर मिल जाएगी महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में भी मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश जो है ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर ग्रो करने वाला स्टेट है। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, यहाँ से आप ले सकते हैं जिंजर, आप सोर्स कर सकते हैं। और कौन से स्टेट को, कौन से कंट्री को टारगेट करोगे? नंबर 1 कंट्री है USA, सेकंड में जापान, नेदरलैंड्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जर्मनी, UK, मलेशिया, कनाडा, रशिया, UAE, सऊदी अरबिया, इंडिया, फ्रांस, मोरक्को, इटली, स्पेन, सिंगापुर एंड यमन एंड पोलैंड। ये 20 देश है, ये जिंजर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करने वाले कंट्रीज़ है। और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिस्ट करके देख लीजिए। तो मैंने आपको डिटेल्स में दिखा दिया जिंजर यानी अदरक कौन से कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं और कौन से स्टेट से आपको सोर्स करना है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल्स, B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया। B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया में 1 by 1 आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके उन वेबसाइट में ढूंढना है जिंजर फार्मर्स, जिंजर ट्रेडर्स इन इंडिया। आपको अलग अलग स्टेट से, आपको अलग अलग राज्यों से जाकर ढूंढना है। जो भी फार्मर्स है, जिंजर फार्मर्स है या जिंजर ट्रेडर्स है, उनको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करके प्राइस चेक कर लीजिए। प्राइस चेक करने के बाद आपको जो 158 कंट्रीज़ का नाम दिखा दिया, इन 158 कंट्रीज़ को आप टारगेट कर लीजिए। अमेरिका नंबर 1 है, पाकिस्तान भी इम्पोर्ट करता है जिंजर, लेकिन पाकिस्तान को हमारा ट्रेड बंद है तो आपको पाकिस्तान फ़िलहाल नहीं कर पाओगे। बांग्लादेश को करिए, बांग्लादेश करता है, एंड श्रीलंका इम्पोर्ट करता है, मालदीव्स भी इम्पोर्ट करता है, और यूएई के साथ साथ ऑल द जीसीसी कंट्रीज़ भी इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, यूरोप में बहुत सारे कंट्री इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो बता दिया आपको, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में आपको टारगेट करना है, फार ईस्ट में मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, इंडोनेशिया को टारगेट करना है। आपका नेबरिंग कंट्रीज़ में आपको बांग्लादेश, आपको नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स को टारगेट करना है। ठीक है, और आपको वर्ल्ड वाइड जहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स को टारगेट कर लीजिए, और वर्ल्ड वाइड जहाँ पर इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा रह रहे हैं उन कंट्रीज़ को टारगेट कर लीजिए। यूएई के साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो जीसीसी कंट्रीज है, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन एंड कुवैत, ये जो देश है, ये देशों को टारगेट कर लीजिए। यहाँ पर इंडियंस के साथ साथ इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, नेपालीज़ एंड बांग्लादेशी बहुत सारे रहते हैं। तो इन्हीं इंडिया के साथ साथ जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग हैं, जिंजर को यूज करते हैं, जिंजर खाते हैं, इसीलिए आपको मिडिल ईस्ट कंट्री को टारगेट कर लीजिए। यूएई के साथ साथ यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, कुवैत एंड कतार, ये कंट्रीज़ को टारगेट कर लीजिए। और उसके बाद अमेरिका, कैनेडा, यूके, जर्मनी, ये जो कंट्रीज़ है, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज़ को टारगेट कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है जिंजर के लिए। तो जिंजर पैकिंग वगैरह कैसा होगा आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए जिंजर पैकिंग कैसा होता है, तो वो पैकिंग करके आप इन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं। तो इन्हीं कंट्रीज़ को, 158 कंट्रीज़ को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर वीडियोज़ में बना चुका हूँ, उन वीडियोज़ को देखना है तो हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। तो आप उन देशों को टारगेट करना चाहते हो तो हमारा पुराना वीडियोज़ देख के जिंजर एक्सपोर्ट करने के लिए आप स्टार्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए बहुत सारे तरीका है, ईमेल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग है, बहुत सारे मार्केटिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ हमारे वीडियो में। तो आप मेरे पुराने वाले वीडियोस देख लीजिए, आपको पूरी डिटेल्स में पता चलेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर एक्सपोर्ट कर पाओगे फ्रॉम इंडिया। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी से ज़्यादा वीडियोज़ ला सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।